नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा और जो ये मेडिकेशन अभी आप देख रहे हैं ये एक बीमारी होती है जिसका नाम है स्केबीज, जो सबसे कॉमन स्किन डिजीज में से एक है जो काफी इचिंग कॉज करती है। इसके बारे में ये सारी मेडिसिन है। स्केबीज के बारे में पूरा वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। स्केबीज बेसिकली एक माइट इन्फेस्टेशन होता है जो आपके चमड़े पे अटैक करता है और इसमें काफी ज्यादा इचिंग होती है। ये बीमारी बेसिकली आपको तब लग सकती है जब आप किसी का इन्फेक्टेड कपड़ा यूज करते हैं, टाल वगैरह यूज करते हैं, बेडशीट वगैरह यूज करते हैं, या आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है। इसमें होगा क्या, आपके पूरे शरीर में पहले तो कोरी खुजली होती है चेहरे को छोड़ के, लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके चेहरे पे, बालों के अंदर, हाथ पैर के तलवों पे भी खुजली देखने के लिए मिलती है। अगर खुरा 12 साल से ऊपर के हैं तो चेहरे पे बीमारी जनरली अटैक नहीं करती, हाथ पांव के तलवों पे अटैक नहीं करती, लेकिन शरीर में अटैक करती है। महिलाओं में बीमारी चेस्ट के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है, इनर थाई पे देखने के लिए मिल जाती है, और पुरुषों में जनरली जेनेटल्स के ऊपर यानी कि पेनिस के, स्क्रॉटम के ऊपर, दानों के फॉर्म में देखने के लिए मिलती है। इसमें काफी तेज इचिंग होती है जो शाम से शुरू हो जाती है और आधी रात तक काफी ज्यादा इचिंग करने से शरीर में घाव भी बन जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ये बीमारी 100% क्यूरेबल है पर अगर इसका सही से ट्रीटमेंट शुरू करा जाए, वरना लेटर ऑन स्टेज में क्या, वो दाने तो ठीक हो जाते हैं लेकिन ये गांठ बनी रहती है और गांठ जाने में कभी कभी 3 से 6 मिनट का वक्त भी लग सकता है। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी कपड़े पिछले 1 हफ्ते से आप पहन रहे हैं उसे गर्म पानी से धो लीजिए, अपना तौलिया साबुन अलग रखिए, पूरे शरीर में नारियल के तेल की मालिश करिए। इसमें हम लोग एक लोशन होता है गर्दन से पूरे शरीर पे लगाने के लिए बोलते हैं नीचे, हफ्ते में 2 बार। इसमें गोली होती है एवरमेक्टेन, ये डोज अलग अलग पेशेंट में अलग अलग टाइप की होती है, किसी में 9 mg, किसी में 6, किसी में 12 mg, और ये हफ्ते में 2 बार दी जाती है। इस साबुन से हम लोग नहाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं और इसमें एंटीहिस्टामिन यानी कि खुजली की कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिसका नाम है लीवोसेट्राजिन, हाइड्रोक्साइन, गोली दी जाती है। और जो शरीर के ऊपर अगर दाने इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें हम लोग फ्यूसिडिक एसिड में कुछ डाल के कुछ इसमें स्टीरॉयड का यूज किया जाता है, और अगर दाने नॉर्मल होते हैं तो प्लेन स्टीरॉयड का इसमें यूज करते हैं क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, इसमें एंटीहिस्टामिन एंटी इचिंग इफेक्ट होता है, ये स्वेलिंग वगैरह को भी कम करता है, अर्ज टू इच को कम करता है, और जो गांठ बन जाती है उनको सब्साइड करने में कार्य होता है। ये सब दवाइयाँ 1 हफ्ते तक ही चलती हैं और इसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। जनरली कभी कभी किसी किसी में सिर्फ 3 हफ्ते की दवाइयाँ चलानी पड़ जाती हैं और किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा 4 से 5 हफ्ते की दवाई भी चलानी पड़ सकती हैं। जनरली जो इसमें हमने हफ्ते की दवाई बताई है परमेथ्रिन और इवरमेक्टिन, ये तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही चलती है, लेकिन खाने की गोलियाँ जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, हाइड्रोक्साइन जैसी कि इचिंग की गोलियाँ, और अगर बहुत शरीर में बढ़ गया है तो हमें इसमें थोड़ा सा स्टीरॉइड्स वगैरह का ओरल पिल्स के फॉर्म में डालना पड़ता है, तो इससे बीमारी ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।